नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आज 16 मई और पीर का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नाइक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर पेश करें। नादरीन, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि आम इंतखाबात वक्त से पहले कराए जाएं, वक्त पर कराए जाएं, या फिर आईन में जो एक शिक दी गई है कि एक साल तक आम इंतखाबात को आगे बढ़ाने का अख्तियार भी होता है, क्या वो इस्तेमाल करके आम इंतखाबात को 2023 के बजाय 2024 तक कराया जाए। ये तीनों तजावीज़ हैं। इस पर इब्तदाई तौर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये इतफाक हुआ है कि पहले मरहले में इंतखाबी असलाहत और एहतसाब के असलाहत होंगे, उसके बाद इंतखाबात की बात होगी। इमरान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वो किसी भी तौर पर जो है वो आम इंतखाबात उस वक्त तक कराएं ताकि 29 नवंबर से पहले वो जो है वो उनके अपने ख्याल के मुताबिक वो वज़ीर आज़म बन जाएं, और वज़ीर आज़म बनते ही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो तकरर करें। लेकिन ये तो सिर्फ इमरान की मनसूबाबंदी है। वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी आइंदा एक या दो रोज़ में इसको डिक्लेयर कर देंगे। नवाज शरीफ की उस फैसले की पुश्त पनाई होगी, आसिफ जरदारी की पुश्त पनाई होगी, और मौलाना फजल रहमान की होगी, असफंद यार वली की होगी, अख्तर मेंगल की होगी, खालिद मक्सी की होगी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की होगी। सारे जो इत्तेहादी हैं उनको पुश्त पनाई होगी। देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन इमरान का जो एड़ी चोटी का जोर है कि आम इंतखाबात वक्त से पहले कराए जाएं, सितंबर अक्टूबर तक कराए जाएं ताकि 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ का तकरर करें। इस वक्त जो है वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है और इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो गए, बाज़ाब्ता तौर पर सलाह मशवरे शुरू कर दिए गए। अहम तरीन इदारे के जो सरबराह हैं वो अमरीका चले गए हैं, उनकी वतन वापसी के बाद इस ज़मीन में हतमी फैसला होगा, और उसके बाद जो है वो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी अमरीका जा रहे हैं। तो लिहाजा इस माह तक ये फैसले का इम्कान है कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं। एक इतला ये भी है कि 25 मई तक हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि इंतखाबात कब हो रहे हैं, लेकिन ये हतमी बात नहीं है। ये फ़िलहाल जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके हलकों से ये कहा गया है। तमाम जो इमरान खान है उसके हवाले से जो उनको एक रोज़ाना नया वो मंजन भेजते हैं, रोज़ाना नया शोशा छोड़ते हैं, उसके हवाले से अहम अब फैसला कर लिया गया है कि उन्होंने अगर रेड लाइन क्रॉस की तो इमरान को रवामा किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है, उसको जो है वो हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है, या फिर उनको जो मुख्तलिफ मुकदमा थे उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये सारी सूरत और नया मुकदमा उस पर जो कोरोना फंड के हवाले से बैरून ममालिक से इमदाद आई थी वो आई थी 1200 अरब, वो पैसे कहाँ हैं और वो कहाँ उन्होंने खर्च किए। इमरान खान ने उसकी ऑडिट भी नहीं होने दिया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पैसे की जो है वो माली बेकायदगी का जो है वो इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन उस वक्त की इमरान हुकूमत ने इस सारे मामले पर ढिटाई का मुजाहरा किया और इसकी कोई तफसीलात जारी नहीं की। लेकिन अब वो 1200 अरब रुपए की बेकायदगी का स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर भी सलाह मशवरे शुरू कर दिए। नजर थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। वहाँ पर गुजार करते पहले कंप्यूटर को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिल सके। शुक्रिया।